नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो। यकीन मानिए, आपने आज के वीडियो अच्छे से देख लिया तो इस रेमेडी को जरूर से आप आजमा के देखेंगे। ये जो आज मैं समस्या आपको बताने वाली हूँ, ये अक्सर सभी के साथ कभी ना कभी तो होता ही है, तो ये जरूर आपके काम आ सकेंगे। तरीके से बनाऊंगी, इसमें कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं होगा और आपका बहुत सारा समय भी बच जाएगा। और ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनेगा दोस्तों। ये है अजवाइन और ये है सौंफ। आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। यदि आपके पेट अच्छा से साफ नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी आपको बहुत ज़्यादा गैस बनता है सीने में और गले में जलन होने लगता है, और गैस की वजह से जो है आपके पेट भी बहुत ज़्यादा फूले फूले से लगते हैं। अचानक से कभी कभार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है और गैस भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं। कुछ भी यदि हल्का फल्का भी अलट पलट आप लोग खा लेते हैं तो आज मैं उसी का निजात आपको दिलाऊंगी इस छोटे से रेमेडी से। बहुत ही गुणकारी रेमेडी बनेंगे दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही काम के वीडियो मिल रहे हैं, तो आप अपना जो है 10 मिनट तो जरूर से समय दे सकते हैं इतना यूजफुल वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर लेना है 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन। ध्यान रखिएगा कि ये जो घर में जो हम लोगों का चम्मच होता है, तो बहुत ज़्यादा बड़े वाले चम्मच से हमें नहीं लेना है, कुछ इस टाइप के, और इतना ही के बराबर हम लोग लेंगे अजवाइन। देखिए दोस्तों, दोनों जो है खाना पचाने का बहुत ही अच्छा काम करता है। सौंफ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स करके 1 बड़े चम्मच के जितना ले लिए, जैसे हम लोग दाल चावल खाते हैं, तो ये दोनों मिला के 1 चम्मच लेना है। एक बार के लिए मैं आपको ये रेमेडी बना के दिखाने वाली। यहाँ पर ले लेना हमें खलबट्टा और इसमें डाल देंगे ये सौंफ और अजवाइन को। दोस्तों यहाँ पर आप 1 चम्मच भर के भी सौंफ ले सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि सौंफ डालने से ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, कुछ भी आपको खराबी नहीं करेगा। सौंफ का जो तासीर है वो ठंडा होता है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। अब इसमें डाल देंगे हम लोग थोड़ा सा नमक, जितना कि एक बार में अच्छे से स्वाद आ जाए नमक का, बस उतना ही नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम नमक के साथ थोड़ा सा पीस के पतला करेंगे, देखिए इस तरीके से। इतना कूटिएगा कि जो इसमें सौंफ और अजवाइन है ना, वो थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में बट जाए। और इसको आपको मिक्सी में नहीं डालना है, जैसे मैं बना के आपको दिखाने वाली हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही आप लोग बनाइएगा। और इसका सेवन करने से ना, जिस दिन आप इसको लेंगे ना, उस दिन ही यदि आपके बहुत ज़्यादा पेट फूले हुए हैं और गैस आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि पेट फूल गया है और गैस बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिएगा। इसको पीते ही आपको जो है इसका असर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर नमक के साथ इसको कूट के रख ली हूँ, अब इसे रखेंगे साइड में। अब इसके साथ क्या लेना है चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर लेना है हमें पुदीना की पत्तियाँ। पुदीने के पत्ते से भी बहुत अच्छा ये पाचक का काम करता है। आपके पास ये तो बहुत आसानी से गमला में ही लगा हुआ होता है सभी कोई के घर में, तो आप पुदीने का पत्ती ले सकते हैं। और यदि आपको ताज़ा पत्ती नहीं है, मान लिया जाए कि आपके पास नहीं है, तो यदि आपके पास सूखा हुआ पत्ती है जिसको आप सूखा के रख लेते हैं, कर सकते हैं। लेकिन पुदीना इसमें डालना ज़रूरत है, जो कि आज मैं बताने वाली हूँ उसमें पुदीना का डालना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से इसका डंठल हटा लेंगे, थोड़ा मोड़ा रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब इसको अच्छे से एक बार पानी में डाल के और साफ कर लेंगे। और बहुत सारा हाजमे की चूरन की वीडियो मैं डाली हुई हूँ, यदि आप लोगों को स्टोर करने वाला वीडियो चाहिए होगा, यदि आपके बहुत ज़्यादा गैस बनते हैं, अपच रहता है, पेट फूला रहता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, आप लोगों को देखना है हमारा दूसरा रेमेडी, तो हमारे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सारा मैं वीडियो डाली हुई हूँ जिसका सेवन करने से बहुत कोई हमारे भाई बहन कमेंट भी किए हैं कि उनको आराम मिल रहा है उनके कब्ज में, तो आप लोग ज़रूर से देखिए यदि नए हैं तो।
पत्तियों को धोने के बाद क्या करेंगे, इससे हम लोग थोड़ा सा कैंची के मदद से या चाकू के मदद से थोड़ा सा इसको कट करेंगे, जिससे कि इसका जो टुकड़ा है वो थोड़ा छोटा छोटा सा हो जाए और इसका जो गुण है, इसका जो असर है वो अच्छे से हमें मिल पाए। आप चाहे तो पत्तियों को भी थोड़ा सा क्रश कर सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके से काट भी सकते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, जगह का नाम जरूर से बताइएगा। पुदीना की पत्तियों को बहुत अच्छे से कट करके तैयार कर ली हूँ। अब इसके साथ ही हमें लेना है अदरक का टुकड़ा। तो अदरक कितना लेना है वो आपको दिखा देती हूँ। अदरक को पहले से धो के साफ करके और रखी हुई हूँ, तो सिर्फ इसका छिलका जो है ऊपर ऊपर से ये हम लोग हटा देंगे, सिर्फ छिलके को। देखिए, आपका यदि अदरक धुला हुआ नहीं है तो आप इसको धुल के ले सकते हैं। अब इसका जो है इस तरीके से एकदम पतला पतला सा स्लाइस बनाएंगे अदरक का। और दोस्तों, अब हमें वीडियो बनाना होता है तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक एक चीज बताना, एक एक चीज समझाना, कहीं कुछ रह जाता है ना, तो फिर बाद में ऐसा लगता है कि ये बात तो बताई ही नहीं। तो इसके कारण थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ तो बड़ा हो जाता है। जब आप अपने घरों में इस सब चीज को का इस्तेमाल करेंगे ना, इस टाइप की रेमेडी बनाएंगे ना, तो आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा रेमेडी को तैयार करने में, बस ऐसे मान के चलिए। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, वीडियो बड़ा हो गया, वीडियो बड़ा हो गया ये माइंड मत कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के हित के लिए ही मैं जो जानती हूँ वो शेयर करती हूँ, आप लोग आजमा के जरूर देखिएगा, बहुत ही फायदा पहुँचेगा। तो अदरक का टुकड़ा कुछ इतना लेना है, लेकिन इसको अच्छे से बारीक करके थोड़ा सा काटिएगा, और चाहे तो इसको भी थोड़ा सा हल्का सा हम लोग दरदरा कूट लेते हैं, जिससे कि अदरक का जो रस है वो भी अच्छे से मिल जाए हमें। और ये पुदीने के पत्तियों को भी इसमें ही डाल देते हैं। अब इसको बस हल्के हाथों से थोड़ा सा कुचल देंगे, बहुत ज़्यादा इसको कूटना पीसना नहीं है, बस अदरक को हल्का सा कुचल दीजिए, जिससे कि इसका जो रस है वो अच्छे से निकल जाए। इस वाले प्लेट में ही साइड में रख लेना है। अब इसमें एक सामग्री और जाएगा, अजवाइन। एक चम्मच आप सौंफ लीजिएगा, आधा चम्मच अजवाइन लीजिएगा, एक चम्मच आपको अजवाइन नहीं लेना है, और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा अदरक। अब जो हम लोग लेंगे सामग्री वो है नींबू। दोस्तों, नींबू डालने से जो आपके गैस बनते हैं, गैस की समस्या है, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके पेट भी बहुत अच्छा से साफ होंगे। तो यहाँ पर नींबू जो है आधा ही नींबू डालूंगी एक बार के ड्रिंक के लिए। बहुत ज़्यादा डालिएगा तो ये जो है बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो इसके लिए डालना तो ऐसे एक चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आधा ही डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यदि आपको एक डालना है तो आप एक भी डाल सकते हैं। नींबू को छोटा छोटा सा इस तरीके से हम लोग काट लेंगे, 4 टुकड़ा करेंगे इसका, जिससे कि इसका जो रस है वो निकालते बने। बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे तो फिर इसका जो रस है वो अच्छे से नहीं निकलेगा। और दोस्तों, इसी वीडियो में एक बात मैं और आप लोगों से बोल देती हूँ, यदि आप लोगों के घर में किन्हीं को जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, उनके लिए आप कोई निजात खोज रहे हैं, होम मेड नुस्खा खोज रहे हैं, तो हमारे चैनल पर चले जाइए, आपको पारिजात के तेल मिल जाएंगे। पारिजात के पत्तियों से तेल बना के, पान से तेल बना के दर्द के लिए मैं दिखाई हुई हूँ। तो आप लोग जाके हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की परेशानी है दोस्तों, आप लोगों को काढ़ा चाहिए, जो काढ़ा एकदम रामबाण होने वाला है, तो आप लोग हमारे चैनल पर चले जाएं, आप लोगों को काढ़ा की भी रेसिपी मिल जाएगी। अब यहाँ पर लेना है 1 ग्लास, और इसमें डाल देंगे 1 ग्लास भर के पानी। पानी आप जो पीते हैं मिनरल वाला वो ले सकते हैं, और आप इससे बड़ा भी चाहे तो ग्लास ले सकते हैं, एक कप से बड़ा हो तो। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग डाल देंगे इसमें नींबू के टुकड़े को, और साथ में डाल देंगे ये जो कूटा हुआ है अदरक और पुदीना। अब इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे ये वाले पाउडर को, और ये जो है एक बार के लिए मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसका रीयूज भी कर सकते हैं, यानी दोबारा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा सा ग्लास में पानी जो है कम रखिएगा, जिससे कि इसमें चीजें जैसे नींबू वगैरह जाएगा तो पानी जो है ऊपर आ जाता है। आप देख दोस्तों, तो आपको बहुत सारे होम मेड नुस्खा जो है बताती रहूंगी और आप लोग हमारे साथ मिलके और नुस्खा का फायदा जो है उठा सकते हैं। तो अभी देखिए क्या करना है, इसको बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल विधि है, क्या करना है इसमें, इसको डालने के बाद इस पे लगाना है ढक्कन और इसमें क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो है मैं रात में बना रही हूँ, अब इस पे ढक्कन लगा के इसको पूरे रात के लिए छोड़ देना है, जो कि इसमें चीजें पड़े हुए हैं वो सारा अच्छे से फूल जाए और इसका जो अर्क है, इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ्लेवर है वो सारा पानी में आ जाए। तो इसको पूरे रात के लिए छोड़ देना है। चलिए मैं आपको सुबह में दिखाती हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो अभी अगले सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है पूरा जो इसमें सौंफ वगैरह है बहुत अच्छे से फूल गया है और पानी का कलर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये जो है चेंज हो गया है। देखिए वो कैसे लेना है दोस्तों। अब इसको हम लोग छन्नी की मदद से छान लेंगे। देखिए ये जो पानी है हमारा जो हमें चाहिए होगा वो मिल गया है। अभी क्या करना है, जो इसमें नींबू था नींबू को हम लोग निचोड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि इसका रस जो है इसमें आ जाए, क्योंकि नींबू का रस जो है वो अपने आप से तो नहीं निकलेगा, तो इसे हमें हाथ से ही निचोड़ना है। बहुत अच्छे से सारे नींबू का जो रस है इसमें चला जाना चाहिए और चीज़ें जो इसमें है हल्का हल्का सा उसको भी आप दबा सकते हैं। और ये जो बचा हुआ चीज़ है, ये जो बच गए हैं, इसको फिर से वापस से हम लोग उसी कप में डाल देंगे, देखिए, और फिर से इसमें पानी भर देंगे और पानी भरने के बाद इसमें लगा देंगे ढक्कन। और सुबह सुबह जब आप इसको छान रहे हैं तो आप सुबह में फिर से इसमें ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन लगा के इसे रख दीजिए, पूरे दिन ये पड़ा रहेगा। और शाम के समय में जब आप दोबारा इसका डोज लेंगे तो उस समय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी बर्बाद आपका नहीं जाएगा। अब आपको बताती हूँ इसको लेना कैसे है। इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं डालना है, जैसे कि नमक वगैरह सारा चीज़ इसमें डला हुआ है। आपको क्या करना है, सुबह सुबह आप शॉर्ट से आए, उसके बाद इसको खाली पेट में पी लेना है। इसको पी के देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मैजिकल पानी बनके तैयार हुआ है। ये आपके पेट को बहुत ही अच्छा साफ सुथरा रखेगा, आपके गैस जो बनते हैं खट्टी ढकारे जो आती हैं उससे आपको निजात दिलाएगा। तो इसको आप चाहें तो हर रोज़ ले सकते हैं, सुबह और शाम में। खाना खाने से पहले लेना है, नाश्ता करने से पहले लेना है इसको, और शाम में आपको खाना खाने से 2-3 घंटा पहले ले लेना है। इतना के मात्रा में आप लीजिए, आपके जो गैस बनते हैं वो बनना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जब 3 से 4 दिन आप इसको लगातार ले रहे हैं तो बीच में 2 से 3 दिन का गैप रखिएगा। कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो पूरा लगातार नहीं लेना है, बीच में गैप जरूर करना है। और इस टाइप की रेमेडी आप बना के रखें, बहुत ही आसान है, बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर से मैं बोलती हूँ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।